अच्छा जी, अब मैं इधर आया हूँ लोटस नाम के, ये इधर हाइपर स्टार टाइप है, काफ़ी बड़ा सा स्टोर है, एक दफ़ा आप लोगों को दिखाया था उससे। और इधर मैंने थोड़ी सी ग्रोसरीज करनी है, तो मैंने कहा वीडियो बना लेते हैं, आप लोगों को थोड़ा सा दिखा भी देते हैं। अच्छा, अभी रेट्स भी बताता हूँ साथ साथ। ये लगा हुआ है फ्राइड चिकन का मसाला टाइप है। अब इस तरह रेट्स हैं, थोड़ा तजर्बा करना पड़ता है, रेट्स में थोड़ी सी मुश्किल होती है, इन्होंने अपनी लैंग्वेज में लिखा हुआ होता है। सी फूड रखा हुआ है, इसको पता नहीं प्रॉन्स कहते हैं क्या कहते हैं, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। ठीक है, ये फिशेस रखी हुई हैं, देख लें काफ़ी तरह की है। अब नाम तो इनके पढ़ नहीं सकते हम, लेकिन बस गुजारा है। अच्छा, ये वो रखा हुआ है 31 रिंगट्स का है, और 10 रिंगट्स की वो है छोटी वाली, और इसको क्या कहते हैं, वो क्रैब है शायद, आई गेस। अच्छा, ये चिकन है, ठीक है, और चिकन है जी 12 पीसेस पर केजी और 8.5 रिंगट्स, सही है। और कटुआ हुआ भी पड़ा हुआ है, अगर आपने उसमें से लेना। ये और सी फूड रखे हुए हैं, शेल्स वगैरह, यहाँ ये लोग खाते हैं इस तरह की चीज़ें। चिकन में से इस तरह से भी पड़ा हुआ मैश टाइप से हुआ हुआ, बोनलेस किया हुआ उन्होंने। ये इन्होंने मसाले रखे हुए हैं, लहसुन प्याज रेड मिर्च सूखी भी ड्राइड, ये फ्रोजन उसमें पड़ी हुई है। यहाँ पे बिलोनिया सैंडविचेस स्लाइसेस और ये सब्जियाँ पड़ी हुई हैं थोड़ी सी, ठीक है। ये अच्छा, आलू काफ़ी सस्ते हैं, आलू हैं 2 रेंगे पर केजी, पाकिस्तानी 100 रुपये किलो। प्याज भी सेम रेट है, मैं एक दफ़ा दिखा दूँ आप लोगों को, फिर अपने लिए लूँगा। अच्छा भैया, आगे ये भी चीज़ें पड़ी हुई हैं, साथ साथ आप लोग रेट्स देखते जाएं, जो जो समझ आपके काम की चीज़ है। मुझे तो इतना कुछ बनाना आता नहीं है। सब्जियां हैं, डेयरी आइटम्स भी पड़ी हुई हैं आगे। अच्छा, एग्ज़ आ गए, ये भी हैं कुछ, ये आ गई रोटियां, रोटी लूँगा शायद, किसी और कंपनी की लेनी है मैंने, पहले भी ली थी मैंने। अच्छा, इनके हैं 6.7 रिंगट्स, ठीक है, 6.3 रिंगट्स भी है, 7 रिंगट्स भी आ रहा है। अच्छा, 3 वाला भी है, 10 की पैकिंग है, एक रख लेते हैं। ये वाला है शायद, नहीं ये वाला नहीं है, घर में दूसरा है शायद, ये भी ठीक ही है, 6 रिंगट वाला, ये एक रख लेते हैं, ऊपर भी रखे हैं सारे एग्स काफ़ी सारे। अच्छा, तो चाहिए नाश्ते के लिए। अच्छा जी, फ्रोज़न आइटम्स आगे कट हुए फ्राइज रखे हुए हैं, 1 केजी के जो हैं वो 10 रिंगट्स के आ रहे हैं, 11 रिंगट्स, 10 रिंगट्स, ये रेट है, ठीक है। ये है पिज्ज़ा, फ्रोज़न पिज्ज़ा है, और ये आ रहा है 21 रिंगट्स का, इसमें शायद 2 हैं, शायद 1 है, कंफर्म नहीं पता। काफ़ी सारे पिज़्ज़ा लगे हैं, 10 रिंगट्स वाले भी हैं, नीचे वाला 21 का, लोटस के जो अपने हैं वो 10 वाले हैं, ठीक है। अच्छा, अभी देखते हैं और कुछ देखते हैं। एक पड़ा हुआ चिकन लजानिया, और मैंने ये लिया, ये मिला है 7 रिंगट्स का। इसके अलावा ब्लूबेरीज भी पड़ी हुई हैं, ब्लैकबेरीज भी पड़ी हुई हैं। अच्छा, इस साइड पर आते हैं, वाजवा समोसे रोल, कड़ी पफ, करी पफ जो भी है, शाही वाले समोसे भी हैं। रेट्स आप लोग देख लें, 7 रिंगट्स के हैं, जिसके अंदर अब खुल के ही पता चलेगा हैं कितने, नहीं अच्छा ये उनकी पट्टी है, यस रोल और समोसे की पट्टी है। ये आ गए आपके पराठे प्लेन, और रोटियां भी थी पीछे थी, यहाँ भी मिलेंगी। ये रैप्स आ गई, चपाती मीन्स रोटी, रोटी बूम है कोई चीज़, पता नहीं बूम का क्या मतलब है। अच्छा, ये भी ये वो हैं मार्शमेलोज वगैरह, उस टाइप की चीज़ें बड़ी हुई हैं। ओह ये सारा, चलिए नगेट्स हैं, सॉसेजेस हैं, चिकन फ्राइड आपको प्रॉपर मिल रहा है, ठीक है,
उनके रेट्स आप लोगों को दिखाता रहता हूँ साथ साथ। ये देखें जी 14 रिंगिट्स के वो पड़ रहे हैं नगेट्स वगैरह, ठीक है, और बड़ा पैक है, काफ़ी है इसमें। चिकन भी है, चिकन स्ट्रिप्स हैं, टेम्पूरा स्ट्रिप्स, बफलो चिकन विंग, बीफ वगैरह का भी है, बफलो भी है भैंस के, ये भी पड़े हुए हैं, काफ़ी चीज़ें फ्रोजन आइटम हैं, बहुत सारी हैं। आइसक्रीम्स भी, यस आइस किट कैट बाइट्स और माइलो की आइसक्रीम भी है 10 रिंगिट्स की, अच्छी है, एक बकेट आप ले लें। अच्छा ओरियो भी है, वो ओरियो आइसक्रीम जो होती है मैकडोनल्ड वाली वैसी है, 13 रिंगिट्स की है वो। ये फ्लैश और इसमें पता नहीं, ये भी शायद आइसक्रीम जी होंगी, ये ओवल्टीन की है, इसके अलावा और ही पड़ी हुई हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अच्छा ये भी हैं किट कैट की, अगर आपने ड्रम स्टिक्स लेनी है उसमें 4 हैं शायद वो 18 रिंगिट्स की हैं। मैगनम आ गई, मैगनम है 13 रिंगिट्स की, इसमें 6 हैं, 6 मैगनम्स हैं, ठीक है। और ये आपकी वैसे किट कैट्स आ गई। अच्छा ये पैकेट है 10 रिंगिट्स का, ये लिखा हुआ, ठीक है, 10 रिंगिट्स का है, और इसमें है 12 पैक्स, दो वाले इसमें दो स्टिक्स होती हैं। ये सर्फ लगे हुए हैं 9.5 रिंगिट, 10 रिंगिट, बट ये बहुत बड़े बड़े पैक्स हैं, 3-3 किलो, 2.5 किलो। अच्छा ये वाला 8 रिंगिट्स का लगा हुआ है, लोटस का अपना जो स्टोर है उनका अपना, ये भी 2.3 kg का है, इन्हें बड़े तो नहीं चाहिए। ऑयल्स लगे हुए हैं शेल वगैरह के, ये भी हैं टाइट टॉप के नाम से हैं, काफ़ी सारी ब्रांड हैं, समझ नहीं आ रही लेना कौन सा। अच्छा ये लगी हुई है गार्लिक सॉस वगैरह लगी हुई है, सॉक चिली, और इसकी प्राइस है मैगी वाले की 4.75 रिंगिट्स। यहाँ पे मैगी के आइटम्स हैं, कनौर वगैरह नहीं है पाकिस्तान में, सारी सॉसेस का सेक्शन है। इनकी अपनी भी होंगी यहाँ पे, और ये देखें थाउजेंड आइलैंड पड़ी हुई है, इसकी है सिक्स पॉइंट सेवन नाइन रिंगिट्स। टाटर सॉस, कोल्सलो, चीज सॉस, काफ़ी सारी हैं, मायो सॉस, मायो आ गई नीचे तक। ओ मुझे दालें मिल गई, दालें चले सब मिल गया जो कुछ मतलब है इधर। अच्छा जी ये कौन सी थी, मिल गई 4.29 रिंगिट्स। वाइट चने लगे हैं 5 रिंगिट्स का पैकेट है, तकरीबन आधा किलो का है। मसूर की दाल पड़ी हुई है, अब इसकी पता नहीं इनमें से कौन सी है बट मैं रख लेता हूँ क्योंकि चीप ही होगी और ये मुझे थोड़ी ज़्यादा चाहिए। तकरीबन वो रखी है मैंने। अच्छा नीचे पड़ी हुई है थोड़े बड़े पैक्स, दाल चना है, लोबिया पड़ा हुआ है 12 रिंगिट्स का, लेकिन लोबिया बहुत छोटा सा इधर, ठीक है। इसके अलावा अभी बहुत कुछ है, अभी इतना मुझे नहीं पता कि भाई ये क्या क्या है। ये ऊपर वो लगी हुई है सौंफ वगैरह, मसाले, गरम मसाले की चीज़ें हैं शायद जी। ये भी हैं मसाले, ये आ गया सॉल्ट आ गया, यस लोटस का रिफाइंड सॉल्ट, सॉल्ट एक उठा लेते हैं चाहिए क्योंकि। ये लगी हुई है और स्पाइस पाउडर है, सिनेमन पाउडर है, ये मेरा ख्याल वो ज़रदा साथ लाल मिर्च पाउडर कुटी हुई भी और पिसी हुई भी चिली पाउडर है, और इसके रेट्स हैं 2.79 रिंगिट्स इन सारे पैकेट्स के। लोटस के अपने हैं, वही बात है जो जो स्टोर की अपनी चीज़ होती है वो उनकी रेट्स ज़्यादा कम होते हैं। अच्छा ये ब्लैक पेपर पाउडर भी लगा हुआ है, ये रख लेते हैं, ये भी रख लेते हैं, इनके बगैर तो कुछ बन नहीं सकेगा वाला। ये पता नहीं क्या क्या, ये बॉटल्स भी हैं ब्लैक पेपर वगैरह की बट ये एक्सपेंसिव है, इनके रेट ज़्यादा।
इस साइड पर ब्रेकफास्ट सीरियल्स भी लगे हुए हैं और इनके रेट्स देख लें, 1350 की ऑफर चल रही है, पहले 1650 के थे। और इस साइड पर ये माइलो वगैरह मिल रहा है, इसकी प्राइस है 18 रिंगगिट, इसमें बहुत ज़्यादा है, 18 वो हैं साशेज हैं इसमें, जिसमें एक साशे में तीन बनेगा, तीन गिलास बनेंगे, मग्स ये दो भी है। हाँ जी गैस, तो मैं घर आ गया हूँ अपार्टमेंट मतलब अपने, और अभी सामान मैंने कहा आप लोगों को दिखा देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आई हैं और टोटल बिल मेरा कितना बना है। एक मिनट में ज़रा बैठ जाऊँ। ठीक बन रही है शायद। अच्छा जी, अब मैंने लिया है एक ये सॉसेजेस वहाँ से, ठीक है, इसमें हैं तकरीबन 10 हैं, ठीक है। थोड़े से मैंने लहसुन लिए, शायद एक पाव है या शायद एक पाव से ज़्यादा है, और उसके ऊपर रेट लिखा हुआ है इनका 1.25 रिंगगिट का, ठीक है। दाल मसूर की ये मैंने लिए, दो पैकेट्स लिए, ये शायद आधा किलो है, एक पाव है, पता नहीं, कंफर्म नहीं है। और थोड़े से प्याज हैं, दो तीन प्याज हैं, 0.97 रिंगगिट के बने, ठीक है। और थोड़े से पैकल हैं, ठीक है, ये शायद 1 किलो है, हाँ 1 किलो ही। एग्स की एक ट्रे, वो तो आपने देखी थी वीडियो में, ठीक है। ये आ गई, एक जूस मैंने लिया है, ये काफ़ी चीप था, 4 कुछ रिंगगिट का था, तो फिर मैंने ले लिया। दो मैंने मैक्रोनीज लिए, एक ये वाली एल्बो वाली और एक चीज़ वाली। अच्छा, ये मसाले मैंने लिए, लाल मिर्च पाउडर और ये ब्लैक पेपर, इसके अलावा शुगर। अच्छा, शुगर यहाँ कुछ ज़्यादा ही रिफाइंड है, मतलब कि मुझे नमक और शुगर में फ़र्क नहीं नज़र आ रहा, ठीक है। अगर डब्बे में लस्सी पड़ी हो तो आप शायद प्योर डाल सकते हैं, बिल बहुत ज़्यादा रिफाइंड है, अगर आप लोगों को करीब से थोड़ा बहुत पता चल रहा हो। बाकी हर चीज़ के ऊपर हलाल और वो देखना पड़ता है, इस तरह का टैग है हर चीज़ के ऊपर, ये देखना पड़ता है, ये लाजमी है, इसके बगैर तो अभी तक मैंने कुछ किसी दिखाया भी नहीं था। थोड़ा सा ये जिंजर है, अदरक, ये हो गया, टमाटर लाया हूँ, ठीक है, ये भी 2.51 मिनट के हैं। मैगी के नूडल्स वहाँ मैंने उससे पूछा, मैंने क्या जो मतलब सही है टेस्ट वाइज, तो सेल्समैन ने मुझे कहा ये वाला ले लें, मैंने ये फिर ले ली, ट्राई करेंगे। एक ये मैंने लिया है लज़ानिया, इसको भी बनाकर देखेंगे कैसा, फिर आप लोगों को रिव्यू दूंगा। इसके अलावा चावल मैंने लिए हैं, ये हैं जी सनफ्लावर्स प्योर बासमती, और ये हैं इसके आप साइज़ वगैरह देखें ज़रा करीब से, ये है। अच्छा, ये 2 kg का, ये मुझे पड़ा है 22 या 25 इस तरह कुछ रिंगगिट्स का। इसके अलावा मैंने अब ये एक सर्फ लिया, अब ये पता नहीं कैसा है, यूज़ करने के बाद पता चलेगा। ये मुझे मिला है 4 रिंगगिट्स का और इसका वेट है 800 ग्राम की, देख रहे हैं आप लोग। अच्छा, और एक मैंने ये लिया है कोको क्रंच सीरियल, मैंने कहा कभी कभी दिल करता, बड़ा पैक है इसका, काफ़ी पीछे से दिखाता हूँ, हाँ बड़ा पैक है। और ये मिला है आई गेस 1350 रिंगगिट का, ये। तो ये थी आज की वीडियो। अच्छा, ये मेरा टोटल बिल बना है 115 रिंगगिट्स का, ठीक है। और इसके अलावा मैंने वहाँ पे एक मिस्टर डॉलर स्टोर था, वहाँ से एक बॉक्स लिए खाना वगैरह रखने के लिए, ठीक है। और दो ये हैं छोटे, इसमें मसाले वगैरह रखने के लिए, और एक वॉशरूम का वाइपर लिया छोटे साइज़ का, तो उसका बिल मेरा बना 12 रिंगगिट्स का टोटल। ये 2-2 रिंगगिट के हैं ये बॉक्सेस, तो सही है, अच्छे हैं। और ये थी आज की वीडियो, बस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और फॉलो करते रहें। इंटरनेशनल स्टूडेंट के यहाँ पर मलेशिया में कितने खर्चे आ रहे हैं, क्या खर्चात हैं और क्या हिसाब किताब होता है, उस सब के ऊपर यहाँ पे बात करेंगे। अच्छा जी, तो ये है जी अब आज की वीडियो, इंटरनेशनल स्टूडेंट के यहाँ पर क्या खर्चात आ रहे हैं, किस हिसाब से यहाँ पर चीज़ें लेनी पड़ती भाई, और जाने आने का क्या हिसाब होता है। अच्छा, ये मॉल जो था ये माइंड सिटी मॉल है, और ये यहाँ से ड्राइव है तकरीबन 5-10 मिनट्स की ड्राइव है, वॉक करके आप नहीं जा सकते क्योंकि बीच में ना छोटी रोड तो हम क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन जो सुपर हाईवे ऐसा कुछ आ जाए तो वो हम क्रॉस नहीं कर सकते वॉक करके, ठीक है। उसके लिए फिर आपको गाड़ी पे जाना पड़ता है। तो यहाँ से मैंने ग्रैब कराई जाते हुए, मुझे पड़ी 9 रिंगगिट्स की,
सुबह जब मैंने देखी थी तो आज की 7 मिनट यहाँ पे पीक फैक्टर लगता है, शाम के टाइम पीक फैक्टर लग जाता है, तो पहले चले जाओ तो सही है। और वापसी में मुझे पड़ी है 12 रिंगिट की, तो ये भी एक खर्चा है, अगर आप उसको भी ऐड करें तो 25 रिंगिट ये भी तकरीबन 22 रिंगिट ये भी मेरे पास है, और इसको भी आप ऐड करें। लेकिन ये है कि अब ये सामान आ गया और कल भी मैं लेकर आया था, तो आप एक दफ़ा जाकर इकट्ठा ले तो आपका अच्छा काम हो जाएगा, चलता रहेगा। अभी दाल वगैरह ऐसे ही लाया हूँ कि भाई अब जैसे खाने की सेविंग हो रही है यहाँ पे, बहुत हो गया ये इनके खाने, क्योंकि यहाँ पर ना एक चीज़ मैंने देखी है, ये लोग जो चिकन बनाते हैं बाहर से जो आपको मिलता है, तो उसके ऊपर से ना स्किन नहीं उतारते। अब हमें आदत है प्रॉपर साफ़ सुथरे की, तो वो जब स्किन नहीं उतरी हुई थी ना तो वो खाया नहीं गया मेरे से। खैर ज़बरदस्ती मैंने खा लिया, लेकिन मतलब देसी खाना खाना है, तो इसलिए अब लेकर आया हूँ। आता मुझे कुछ भी नहीं है बनाना, तो अब अम्मी से ही पूछूँगा कि बताएं इसको कैसे बनाना है, और यह है कि फिर बनाकर ज़्यादा रख लेंगे, बॉक्सेस इसलिए लाया हूँ कि बनाकर फ्रिज में रख दूँगा और फिर वो आराम से खाता रहूँगा, ताकि ये अब आ गया है वीकेंड मुझे मिला हुआ है, तो वीकेंड को मैंने यूटिलाइज़ किया है, आगे फिर मेरी पढ़ाई वगैरह स्टार्ट हो जाएगी, परसों से मेरी क्लासेस हैं, तो ये है कि फिर मैं आराम से पढ़ाई वगैरह पर फोकस करूँगा और मुझे खाने पीने की टेंशन नहीं होगी। तो बस यही थी आज की वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।